हाय, मैं अशोक वारसी और वेब दुनिया 18 साल कंप्लीट कर दिया, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई होप आप लोग और 18 20 100 साल तक करते रहे, लगे रहे इस तरह और हमारी बातें होती रहे। 2011 में लेडीज वर्सेस रिकी बहल फिल्म से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने वाली परिणीति चोपड़ा को फिल्म में लीड रोल न होने के बावजूद हर किसी की तारीफ मिली। इसके लिए उन्हें बेस्ट डेब्यूटेंट का पुरस्कार भी मिला। परिणीति ने इसके बाद इश्कजादे, शुद्ध देसी रोमांस और हसी तो फसी जैसी फिल्मों में तो शानदार काम किया, लेकिन दो बैक टू बैक फ्लॉप दावत इश्क और किल दिल फिल्में भी दी। 2.5 साल बाद परिणीति ने मेरी प्यारी बिंदु से वापसी की, लेकिन वो भी सफल नहीं हुई। अब वे गोलमाल अगेन में आई हैं और ये हिट फिल्म उनके करियर के लिए लकी साबित हो रही है। परिणीति की झोली में फिलहाल दो बढ़िया फिल्में हैं, एक तो निर्देशक दिबाकर बनर्जी की संदीप और पिंकी फरार और विपुल शाह की नमस्ते कनाडा। अब खबर आ रही है कि उन्हें एक और बड़ी फिल्म मिली है। धर्मा प्रोडक्शन के अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत फिल्म केसरी में अब परिणीति भी नजर आ सकती हैं। ये फिल्म 2019 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने की उम्मीद है और ये सारागढ़ी की लड़ाई पर आधारित है। परिणीति का इस बड़ी फिल्म में काम करना उनके करियर के लिए सही साबित हो सकता है। केसरी को 2019 की होली पर रिलीज होने की संभावना है।